पिथौरागढ़ में 25 घंटे से हाईवे बंद, भूखे प्यासे सड़क किनारे बैठे रहे यात्री। पिथौरागढ़ चंपावत जिलों में बुधवार को बारिश के चलते पहाड़ी से मलबा गिरने और भूस्खलन से राष्ट्रीय राजमार्ग समेत कई सड़कें बंद हो गई। पिथौरागढ़ घाट NH पर 25 घंटे से अधिक समय तक NH पर आवाजाही ठप होने से सीमांत में पटरी से जनजीवन उतर गया। कोरोना जांच की 40% एंटीजन नेगेटिव रिपोर्ट निकली फर्जी। हरिद्वार महाकुंभ के दौरान एंटीजन जांच फर्जीवाड़े में पकड़ी गई लैब को लेकर एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि लैब की ओर से दी गई 90,000 नेगेटिव रिपोर्ट में से 40% के करीब फर्जी थी। ऐसे में महाकुंभ के दौरान हुई अन्य जांचों को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आपदा के शिकार लोगों की याद में जलाए 1100 दिए। भाजपा महानगर युवा मोर्चा ने केदारनाथ आपदा में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर 1100 दिए जलाए गए। केदारनाथ हादसे को 8 साल हो गए, लेकिन लापता लोगों की राह अभी भी घर वाले देख रहे हैं। सासनी गेट, गांधी पार्क, पन्ना देवी, क्वारसी सिविल, देहली गेट थाना क्षेत्र के लोग इसमें लापता हुए थे। UKD के नेतृत्व में डिफेंस कॉलोनी गेट पर दूसरे दिन भी धरना जारी। उत्तराखंड क्रांति दल के नेतृत्व में बद्रीपुर, नवादा आदि इलाकों के लोगों ने डिफेंस कॉलोनी गेट के विरोध में दूसरे दिन भी धरना प्रदर्शन किया। UKD के केंद्रीय मीडिया प्रभारी शिव प्रसाद सोमवाल ने चेतावनी दी कि यदि 2 दिन के अंदर प्रशासन इस गेट को नहीं हटाता है तो स्थानीय निवासी स्वयं यह गेट हटवा देंगे। जनरल OPD खुलने के बाद भी एम्स में जारी रहेगी टेली मेडिसिन सेवा। जनरल OPD खुलने के बाद भी एम्स ऋषिकेश की टेली मेडिसिन सेवा जारी रखी जाएगी। कोविड संक्रमण से बचाव के दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है। आम मरीजों को फोन के जरिए डॉक्टरी परामर्श उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से एम्स ऋषिकेश में बीती 19 अप्रैल से टेलीमेडिसिन OPD सेवाएं शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा, हरिद्वार कोरोना जांच फर्जीवाड़े में दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। कोरोना जांच फर्जीवाड़े को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि मामला उनके मुख्यमंत्री बनने से पहले का है, लेकिन जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच बैठा दी गई है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने यह बात छावनी परिषद देहरादून के 150 बेड का कोविड केयर सेंटर के लोकार्पण के दौरान कही। उत्तराखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुँचाए जाएंगे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। प्रदेश सरकार कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी में जुट गई है। इस कड़ी में अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहुंचाने की तैयारी है। साथ ही यहां बाल रोग विशेषज्ञों की तैनाती भी की जाएगी। मकसद यह है कि आपदा स्थिति में संक्रमित को तुरंत प्राथमिक चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जा सके। कोटद्वार में गहरी खाई में गिरा मैक्स वाहन, 3 लोग की दर्दनाक मौत। उत्तराखंड के कोटद्वार में बुधवार की देर शाम दर्दनाक हादसा हो गया, जिसकी जानकारी गुरुवार सुबह मिली। हादसे में मैक्स सवार 3 लोगों की मौत हो गई। बुधवार देर शाम बरेत खाल के पास मैक्स वाहन गहरी खाई में गिर गया, जिससे ड्राइवर समेत अन्य 2 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा ऋषिकेश सिलोगी मोटर मार्ग पर हुआ। केदारनाथ हो या रैनी आपदा, खतरा अभी टला नहीं, करने होंगे दूरगामी इंतजाम। केदारनाथ आपदा के बाद कई कमेटियां बनी, विशेषज्ञों ने जांच किए, उन्होंने लंबी चौड़ी सिफारिशें दी, लेकिन उन सिफारिशों पर गंभीरता से अमल नहीं किया जा रहा। वैज्ञानिकों विशेषज्ञों का एक सुर में कहना है कि केदारनाथ, बद्री धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री जैसे पवित्र स्थल अत्यंत संवेदनशील हिमालय क्षेत्र में स्थित है। डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य विश्वविद्यालयों के 394 पदों पर शीघ्र होगी भर्ती। राज्य विश्वविद्यालयों में वर्षों से रिक्त चल रहे शैक्षणिक एवं शिक्षणेतर पदों पर 3 महीने के भीतर भर्ती की जाएगी, जबकि 1 महीने के भीतर सभी विश्वविद्यालयों को डीजी लॉकर की सुविधा उपलब्ध करानी होगी। विश्वविद्यालय को दीक्षांत समारोह अक्टूबर महीने में आयोजित किया जाएगा। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय न्यूज़ नेटवर्क।